हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। और अभी टाइम हो रहा है लाइक 9 बज रहा है। और बेसिकली अभी मैं हूँ किचन में, थोड़ा बहुत मम्मी गई नहा रही तो मैं दूध देख रही हूँ। और आज वेदर भी ठीक ठाक है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और चंदा जानी गई हुई है स्कूल। सो बेसिकली अभी तो कुछ हुआ नहीं है। और आज हो सके मछली बनेगा, और मम्मी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मछली बनाती है। और जब मैं हाजीपुर में रहती हूँ तो वहाँ कोई मछली खाता नहीं है। मैं थोड़ा बहुत खाती थी तो उतना मेहनत मछली बस मैं खुद के लिए नहीं कर पाती थी इसलिए। और मेरे से उतना अच्छा, मेरे को अच्छा से मछली बनाने भी नहीं आता है, ना साफ़ करने आता है, व्हाटएवर। तो मम्मी बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। तो आज मछली बनेगा तो फिर लेट्स सी, देखते हैं। और अभी तो फ़िलहाल मैं फ्रूट्स में खा रही हूँ एप्पल। और ये इसको बोलते हैं शायद अनानास या जो भी बोलते हैं, लिटरली मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं, बट जो भी है ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है फ्रूट। इसको छील के खाया जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मम्मी तो अभी गई है नहाने, एक सेकंड। दूध भी बॉयल हो चुका है, बस ये थोड़ा सा उबाल आएगा और ये हो चुका है। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। और वेट आई शो यू वेदर। वेदर भी थोड़ा सा धूप है बट बहुत अच्छा मौसम है, आप देख सकते हैं। और आज थोड़ा मम्मी पहले नहा रही, बिकॉज फिर मम्मी को ही बनाना रहता है तो फिर नीचे चली जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है ना इसीलिए। और फिर बनाओ, और मछली होता है कि बनाओ और गरम गरम खाओ तो ज़्यादा बेटर होता है, तो वही। और आज ज़्यादा कुछ है नहीं बस, तो लेट्स सी। और जो भी आज पूरा दिन होता है ऑब्वियसली मैं ब्लॉग के साथ शेयर करूँगी आप लोग के साथ। कल वाला जो ब्लॉग था काफ़ी ज़्यादा ये था, क्योंकि कल मुझे काफ़ी ज़्यादा लेज़ीनेस जो होता है ना, बहुत ज़्यादा आलस वाला फील हो रहा था इसी वजह से, तो कल उतना अच्छा व्लॉग नहीं बन पाया। बट जो भी है आई हैव पोस्टेड, तो लेट्स सी। और अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ड्राई फ्रूट्स मैं खा ली हूँ और ये सब एप्पल ये सब खा लेती हूँ। तो उसके बाद मछली बनने में अभी है 2 घंटा तो है ही, बिकॉज उसको बहुत अच्छे से धोया जाता है, फिर उसको उसमें मसाला डलाता है। क्योंकि मेरे को इतना अच्छा से मछली बनाने आता नहीं है तो आई डोंट नो दैट मच, बट जो भी है मेरे को ना फ्राई किया हुआ ये जो होता है मछली बहुत ही ज़्यादा खाने का मन करता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। ग्रेवी वाला मैं खाती हूँ लेकिन उतना भी नहीं, बट फ्राई वाला ज़्यादा मेरे को अच्छा लगता है। सो देख सकते हैं मछली आ चुका है। कौन सा मछली है मम्मी? क्या समझ रही है? एक बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है, वो बहुत मज़ा नहीं आता है खाने में। इसमें तो ये भी है, अंडा भी है, देखो ना। इसमें ज्यादा कांटा नहीं होता क्या? तब ठीक है, देखो ना कितना सारा है। अंडा निकाल दो ना इसका, निकालेंगे ना। अंडा फ्राई करोगे क्या? और ये कौन सा मछली है? ये कैसा होता है? इसमें भी नहीं होता है क्या कांटा? बहुत बहुत। हाँ ये वाला बड़का ग्रह धोगी? हमको तो धोने नहीं आता, मम्मी बहुत अच्छा से धोती है। और मम्मी बहुत बचपन से ही मछली खाते आती है तो सबसे पता है कौन कौन सा मछली क्या होता है कैसे बनता है। ये सबको फाड़ोगे क्या बीच से, मतलब यहाँ से कंटा लेंगे ना? उसमें जो कचरा होता है इसको बीच से फाड़ के, है ना? एक जो बहुत ज़्यादा छोटा छोटा होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। ये ठीक है। इसका तो ग्रेवी भी लग सकता है ना? वो सब के लगेगा ये सबका। ये अंडा देखो ना कितना सारा है। ये अंडा देने वाला था। आप देख सकते हैं इसमें से ये सब कचरा निकला है और यहाँ पे इतना सारा अंडा निकला है, देख सकते हैं। ज़्यादा नहीं है फिर भी, कितना होगा अभी? 100 ग्राम। अंडा खाने बहुत मज़ा आता है। और मम्मी अभी साफ करना और ये सब को भी साफ करना, बहुत टाइम लगता है साफ करने में। अंडा पकौड़ा बनता है, पकौड़ा बनता है, इतना थोड़ा सा ही बस फ्राई कर देना। पे हो रहा फाइनल, क्या बोलते हैं इसको, सफाई, आटा से साफ किया जाता है। क्यों मम्मी? इससे चिकनापन है ना खत्म हो जाता है। चिकनापन क्या होता है? ओ इसमें चिकना चिकना था। मछली को हमेशा आटा से क्यों धोया जाता है? अच्छा।
अच्छा से साफ होता है इसीलिए। आटा डालने के बाद, आटा डालने के बाद ना सारा इसका गंदगी और चिकना चिकना रहता है सारा हट जाता है। तो यहाँ पे हो रहा है वो जो अंडा निकला था मछली में से उसको फ्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और इसमें ज़्यादा कुछ मसाला डलाता नहीं है, जो नॉर्मल सा मसाला अंडा है ना, ये मछली का अंडा का पकौड़ा है ये। सो यहाँ पे हो रहा है जो छोटा वाला मछली होता है वो फ्राई, और हम लोग इसको बिना ग्रेवी का ही खाते हैं, लाइक ऐसे ही फ्राई करके रोटी के साथ, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता है। और इसका ग्रेवी जनरली नहीं बनता है, हम लोग नहीं बनाते हैं। चंदा शानी आ चुकी है स्कूल से, कैसा रहा स्कूल? खा रही है मछली रोटी और यहाँ पे हो रहा है ग्रेवी का तैयारी, ये हो रहा है तो खाओ ना, खाएगा नहीं आदमी, तो ये हो रहा है ग्रेवी का तैयारी। हाँ सब सबके साथ बनता है, और ये है मछली का पकौड़ा जो ये हो चुका है, अब ये जाएगा ग्रेवी में, अभी तो मसाला ही फ्राई हो रहा है। और हम लोग का साथ में बनता है, क्या बोलते हैं, नॉनवेज। सो पटना में तो सबका साथ में बनता है, लाइक हम लोग जॉइंट फैमिली है, इसी वजह से लाइक मेरी मम्मी सबसे बड़ी है, उसके बाद मेरी दोनों आंटी है, तो जब नॉनवेज बनता है तो सबका साथ में बनता है। गैरेज में आप देख सकते हैं यहीं पर, क्योंकि हम लोग का जो किचन है वो मतलब नहीं जाता है वहाँ पर पूजा वगैरह, मम्मी लोग का जानते हैं छठ एंड ऑल, और मम्मी लोग का बहुत सारा ये होता है, इसीलिए मतलब जिसको बोलते हैं एकादशी एंड ऑल, और झूठ मूठ का ये, क्योंकि जब नॉनवेज खाते हैं आप लोग तो सब चीज़ होना चाहिए, हर चीज़ कर लेते हैं। अब जा रही है ऊपर, जाएंगे। मम्मी कैसा बनाती है मछली? बहुत टेस्टी बनाती है ना, रेस्टोरेंट से भी अच्छा। चलो जाओ। सो हमारा मछली तैयार हो चुका है, सब खा भी लिया, आधा खत्म हो गया। धनिया का पत्ता बस इसमें बाकी है, देख क्या लाई ना देते हैं, लाई ना देते हैं। अच्छा प्लेट चेंज कीजिएगा ना, वो मूरी बहुत सारा है। अरे इतना ना दे, सब तो खाएगा। अच्छा तो उधर पास कर दीजिए, स्मेल तो अच्छा आ रहा है। तुमको कितना दे मम्मी पीस? आई दे दे को दे दे। हां ग्रेवी मुड़िया तो पहन ले। कहाँ मुड़ी है? मोरी मोरी